आज से 2-3 साल पहले अगर मैं आपको पूछता कि एक सेकेंडरी डिस्प्ले वाला फोन कितने का मिलेगा, तो आपका जवाब रहता 50-60 हजार तो एटलीस्ट हमें खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है कि आपको 20 हजार के अंडर में सेकेंडरी डिस्प्ले वाला फोन, जिसकी सेकेंडरी डिस्प्ले एमोलेड मिल जाती है। तो 20 हजार के अंडर में ये चीजें पॉसिबल कौन बनाता है? भाई साहब, हमारे देशभक्ति वाला फोन लावा। सो लावा का अग्नि 3 लॉन्च हो चुका है और हमें भी यूज करते हुए काफी टाइम हो चुका है अभी। तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ बग्स भी हैं, कुछ चीजें एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिल जाती है, कुछ चीजें एवरेज भी मिलती है। सभी बताएंगे, पूरा विश्लेषण होने वाला है, तो ध्यान से वीडियो को आखिर तक देखना और ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। सो मेक श्योर करना कि सब्सक्राइब और लाइक वाला बटन जरूर से दबा देना। नाउ सबसे पहले प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो यहां पर भी चीजें ध्यान से सुनना। जो 20 हजार तक आपको मिल जाएगा ऑफर्स लगा के, वो आपको 8 GB रैम 128 GB वाला वेरियंट है, लेकिन चार्जर इन द बॉक्स नहीं मिलेगा। अगर आपको चार्जर चाहिए तो 1-1.5 हजार रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। सो आपके घर में कोई पुराना चार्जर अलावा कहीं तो आप उससे भी यूज कर सकते हैं। बाकी इसमें एक और 8 GB रैम 256 GB वाला वेरिएंट भी मिल जाता है। तो बॉक्स कंटेंट के बारे में बात करें, हमारे पास 8 GB रैम 256 GB वाला वेरिएंट है। इसमें आपको TPU सिलिकॉन केस मिल जाता है, एक फोन तो मिलता ही है, साथ में Type-C to Type-C वाली चार्जिंग केबल मिल जाती है और एक 66 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है और एक रिप्लेसमेंट कार्ड भी मिल जाता है। तो इस फोन के साथ आपको फ्री रिप्लेसमेंट मिलेगा। अगर आपका फोन खराब होता है तो आपके घर में आके आपको फोन रिप्लेस करके दिया जाएगा। बहुत कम ब्रांड्स होते हैं ना जो इतना ख्याल रखते हैं अपने यूजर्स का, तो इस चीज के लिए भी एक लाइक बनता है। सबसे पहले बात करें तो यहां पर बिल्ड क्वालिटी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, बिल्ड क्वालिटी सुपर प्रीमियम मिल जाती है 20 हजार के हिसाब से। बैक में पूरा आपको ग्लास देखने को मिलता है एंड नो डाउट ये जो सेकेंडरी डिस्प्ले मिलती है, ये बिल्कुल अलग ही फ्लैगशिप लेवल वाला एक्सपीरियंस आपको दे देती है। तो इसके बारे में भी मैं लेटर ऑन सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन कैमरा कटआउट ट्रिपल वाला आपको देखने को मिल जाता है। ऐसा बड़ा सा आपको कैमरा का यहां पर जो है रेक्टेंगल टाइप का फ्रेम मिलता है, जिसमें आपकी स्क्रीन भी मिलती है, बट यहां पर जो फ्रेम्स है ना, ये आपको ग्लॉसी में मिल जाते हैं और ये बिल्कुल प्लास्टिक वाले हैं। एंड एक और चीज मैं देख रहा था, इसका पावर बटन के अंदर में आपको लाल कलर का ऐसा कुछ पेंट देखने को मिल जाएगा। इसी के ऊपर एक और बटन दिख रहा है, भाई साहब इसमें आपको एक्शन बटन भी मिल जाता है। क्या फायदा भाई साहब 60-70 हजार रुपए खर्च करके आईफोन लेने का, सीधे भाई साहब 20 हजार में एक्शन बटन, फुल ऑन एक्शन बाजी। इसके यूज केसेस भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन ओवरऑल फोन तगड़ा बिल्कुल फील होता है, बिल्कुल लावा अग्नि 2 जैसा सॉलिड फील होता था ना, बिल्कुल हाथ में पकड़ने में मजा आ जाता, आपको प्रीमियम फील आएगा। लेकिन एक चीज और है, फोन ना स्लिपरी भी हो जाता है क्योंकि पीछे में मैट है, ऊपर से ग्लास भी है। तो मैं आपको बोलूंगा ऑल द टाइम केस के साथ यूज करना, अगर गिरेगा तो भाई साहब आगे फ्रंट भी कर्व डिस्प्ले है, बैक भी ग्लास है, तो टूटने के ज्यादा चांसेस यहां पर हो जाते हैं। बट इसके अलावा कोई भी फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह यहां पर नहीं लगते हैं। एंड यहां पर जो है ना, इसका वेट जैसे आप पकड़ोगे आपको पता चलेगा हाँ थोड़ा सा हैवी आ जाता है। अब ऑफकोर्स होगा भी क्योंकि आपको सेकेंडरी डिस्प्ले मिल रही है, तो 214 ग्राम इसका वेट है। कुछ दिन यूज करोगे फिर यूज टू हो जाओगे, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। साथ साथ डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है, कोई भी हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन नहीं है, IP64 की रेटिंग भी मिल जाती है, बट कोई भी हेडफोन जैक का पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर जो स्पीकर है ये डॉल्बी एटमॉस के साथ आते हैं, स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, तो साउंड क्वालिटी सुनाते हैं आपको। कितने लोगों ने ये गाना सुना है कमेंट सेक्शन में बताओ, फुल वॉल्यूम है। सो गाइस, साउंड यहाँ पर क्वालिटी साउंड मिलती है लेकिन बहुत ज्यादा लाउड नहीं है। एक और चीज क्वालिटी वाली मिलती है, वो है हैप्टिक्स। टक टक वाले प्रीमियम श्रेणी के हैप्टिक्स मिल जाते हैं और इसका इंप्लीमेंटेशन भी UI में अब अच्छे से होने लगा है। जैसे वॉल्यूम कम करते हो, ज्यादा करते हो, इसी के साथ साथ रिसेंट पैनल में जैसे जो जो एप्स खुले उसमें अगर आप यहाँ पर स्विच करोगे तो यहाँ पर वो फील होता है। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है जो बहुत ही फास्टली सिक्योरली ऑल द टाइम वर्क करता है। तो बिल्ड क्वालिटी में सुपर से भी ऊपर अव्वल मार्क्स मैं इसको देना चाहूंगा, बिल्कुल भी कटौती नहीं की गई है। और एक और चीज में कटौती नहीं की गई है, वो है डिस्प्ले। भाई साहब 6.78 इंच की 1.5K रेजोल्यूशन वाली 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। और यहां पर जो है ना, एक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैक्ट बन जाता है इसमें आने वाली बैक वाली सेकेंडरी डिस्प्ले, ये भी 1.74 इंच की एमोलेड स्क्रीन मिल जाती है। फुल टच स्क्रीन है ये, लेकिन HDR को यहां पर फ्रंट डिस्प्ले सपोर्ट करती है। एंड जितना भी हमने YouTube में 4K HDR कंटेंट भी चला के देखा, वो भी फ्लॉलेसली ये चला देती है। इसके साथ Netflix में HDR का सर्टिफिकेशन नहीं मिलता, लेकिन Amazon Prime Netflix में फुल HD कंटेंट आप देख सकते हैं। एंड कितने लोग HDR content literally देखते हैं, मुझे जानना भाई साहब comment section में बताओ। और screen protection के बारे में बात करें तो Dragon Trail की protection मिल जाती है। Still मैं बोलूँगा भाई साहब cover एक अच्छा से ले लेना, tempered glass लगवा लेना, बार-बार कह रहा हूँ क्योंकि भाई साहब जब गिरेगा तो फटका डबल बैठ सकता है। बट जितना मैंने कॉन्टेंट देखा ना, यहाँ पर कलर्स मुझे थोड़े से सैचुरेटेड साइड ज्यादा लगे, लेकिन कॉन्टेंट देखने में मजा आता है। ऊपर से 1.5K रेजोल्यूशन है, एमोलेड भी है, तो आपको शार्पनिंग वगैरह तगड़ी देखने मिल जाएगी, डीप ब्लैक्स तगड़े मिलते हैं, विंग एंगल्स तगड़े मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है ना बेजल्स काफी मिनिमल
मिनिमल मिलते हैं। कर्व डिस्प्ले तो साइड के नहीं है, ऊपर और नीचे का चिन भी आपको काफी मिनिमल मिल जाता है। इसके अलावा 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस चली जाती है, आउटडोर में भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आई। इनफैक्ट जो सेकेंडरी डिस्प्ले है ना उसकी भी ब्राइटनेस यहाँ पर काफी इनफ रहती है कि आपको आउटडोर में दिख जाती है। पता नहीं है नंबर्स में कि कितना निट्स है लेकिन इनफ विजिबल रहती है। इसके अलावा आई प्रोटेक्शन के बारे में इन लोगों ने कुछ मेंशन नहीं किया वेबसाइट पे, तो आई डोंट नो, बट ऐसा कोई फ्लिकरिंग का इशू मैंने यहाँ पर फेस नहीं किया। साथ साथ 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है एंड ऑलमोस्ट सभी ऐप्स में इसका सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जैसे आपको इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, क्रोम के इनकॉग्निटो मोड में, फुल वहां स्मूथनेस होनी चाहिए। नॉटी हो रहा के तो नॉटी भी हो रहे हो तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा के हो, वहां पर कोई कंजूसी नहीं चाहिए ना। अब आ जाते हैं इसके सेकेंडरी डिस्प्ले में। देखो दिखने में बहुत प्रीमियम लगती है, ऐसे डबल टैप करोगे तो यहाँ पर भाई साहब आपके सामने टाइम आ जाता है, उसके बाद नीचे से डॉगी आ जाएगा और इसी पे क्लिक करोगे तो ये डॉगी के अलग अलग अवतार्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसी में अगर आप स्वाइप लेफ्ट साइड को करते हो कैमरा वाला ऑप्शन आ जाता है। और एक चीज अच्छी है, कैमरा आप बैक से ही बिल्कुल फ्रंट सेल्फी वाला मजा ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का आपको कैमरा मिलेगा जिसमें प्रॉपर फुल फोटो तो नहीं आती है, कुछ ऐसी फोटोज आपको इसके बैक कैमरा से देखने को मिल जाएगी। इसमें आपके पास वीडियो का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन है, देन और लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाता है, देन आपके पास रिकॉर्डर है, और ऊपर से नीचे करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ब्राइटनेस बार भी आपको देखने को मिल जाता है, और नीचे से ऊपर करोगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। आप नोटिफिकेशन में किसी में क्लिक करोगे तो वो प्रॉपर वहां पर नोटिफिकेशन नहीं शो करता है, वो उसके लिए आपको फ्रंट स्क्रीन पे ही आना पड़ेगा। लेकिन देखा जाए ना ओवरऑल एक कॉमन इंसान के लिए सेकेंडरी डिस्प्ले यूज करने का जो सपना है ना वो कौन पूरा कर रहा है, वो लावा पूरा कर रहा है। तो ये चीज के लिए तो बहुत बढ़िया एक क्लैपिंग बनती है इनके लिए, तो क्लैपिंग आपको करनी है नीचे लाइक वाले बटन। सो डेफिनेटली इसका यूज केस भी रहेगा, आप बैक से टाइम भी देख सकते हैं, कैमरा का यूज कर सकते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट है इसके यूज से। और कनेक्टिविटी में भी फोन फ्यूचर प्रूफ है, 14 5G के बैंड मिल जाते हैं, ब्लूटूथ 5.4, वाईफाई 6E, बट NFC नहीं मिलता है। इसके अलावा जितना भी हमने 5G टेस्ट किया तो सुपर से ऊपर स्पीड देखने को मिल रही थी, डुअल 5G को भी ये सपोर्ट करता है। इनफैक्ट यहाँ पर हमने जब जियो की सिम डाली तो 5G प्लस ऑल द टाइम आ रहा था, मतलब एक भी ऐसा पल नहीं था, एक भी ऐसा क्षण नहीं था जहां पर 5G आया हो। साथ ही साथ 4G प्लस भी कॉन्स्टेंट है। और एक और चीज कॉन्स्टेंट है, जब हमने एयरटेल का सिम डाला 5G डबल प्लस कॉन्स्टेंट था, उसमें स्पीड का डिफरेंस डेफिनेटली देखने को मिलता है। और भाई साहब डेफिनेटली ये चीजें ना बहुत सारे ब्रांड्स नहीं देते, ऊपर से साइड में VoNR का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल रहा है, एंड जब कॉल करते हैं ना तब VoNR से VoLTE हो जाता है। लेकिन एक चीज की मुझे कमी लगी कि डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं है, तो ये भी छोटा सा सेंसर ये भी देना चाहिए था। बाकी कॉल रिकॉर्डिंग ये सब चुपके से कर सकते हैं, आपको यहाँ पर एप्स में जाना, अल्टरनेटिव डायलर में इस डायलर को इनेबल कर देना, उसके बाद रिकॉर्डिंग सुपर छुपके कर सकते हो। और एक चीज मैं देख रहा था कि ये जो डायलर वाला ऐप है ना ये थोड़ा पुराना है, इसमें रिकॉर्डिंग वाली जो चीज है वो ऊपर मिलती है, तो बहुत पहले से मैं फीडबैक दे रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पर इंप्रूवमेंट करना चाहिए, इसको नीचे प्लेसमेंट कर देना चाहिए कि हाथ अच्छे से पहुंच जाए। उसके अलावा यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर वाला डिपार्टमेंट भी सुपर से ऊपर मिल जाता है, लावा का क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। एंड्रॉइड 14 के साथ ये आता है, इसमें कंपनी ने प्रॉमिस किया 3 मेजर अपडेट प्लस 4 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे। यहाँ पर भी इन लोगों ने जो है इंप्रूवमेंट किया है पहले से, और अपडेट भी ये लोग ना रेगुलरली देते हैं, बग्स वगैरह फिक्स करते हैं। और अभी अभी जस्ट हमें एक अपडेट मिला है, इसमें बहुत सारे फिक्सेस हुए हैं जो हमने यहाँ मेंशन कर रखे हैं वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सब चीज कवर करेंगे कि कितनी चीजें चेंज हुई है कितनी चीजें नहीं हुई। ठीक है, एंड मोमेंट पे अपडेट मिला है तो अभी कुछ चेंजेस नहीं करने वाले वीडियो। और एक और चीज है इस रेंज में जो कोई नहीं देता है, कोई भी ब्लोटवेयर्स नहीं मिलते हैं, कोई भी फालतू के एड्स नहीं मिलते, कुछ भी फालतू चीजें देखने को नहीं मिलती, क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। जब आप फर्स्ट टाइम ऑन करोगे भाई साहब आप बिल्कुल प्रसन्न हो जाओ, और हम भी ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे अगर आप नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, क्योंकि उससे दिल टोटे टोटे हो जाता है और हमें टोटे टोटे करने में बहुत मजा आता है। और इसके UI का लुक जो है ना आपको गूगल के पिक्सल फोन की याद दिलाएगी, वही सेम कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है, वही नोटिफिकेशन पैनल मिलता है। लेकिन बाकी एज सच क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड के अलावा फीचर्स बहुत मिल जाते हैं, जैसे आपको ऐप लॉक मिलता है, डुअल ऐप मिलता है, इंटरनेट स्पीडोमीटर मिल जाता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है, एज लाइटिंग मिलती है, रैम एक्सपेंड कर सकते हैं आप वर्चुअली अप टू 8GB तक, एंड कुछ ये स्पेशल फंक्शन के वेरियस ऑप्शन मिल जाते हैं। तो कस्टमाइजेशन भी यहाँ पर मोटा मोटी आपको देखने को मिलता है, लेकिन कोई भी AI के फीचर्स नहीं मिलते हैं जो बाकी ब्रांड्स दे रहे हैं। यहाँ पर वो चीज भी होपफुली लावा आगे चल के इंप्रूवमेंट करेंगे। नाउ एक और बटन की जिक्र किया था मैंने शुरू में, एक्शन की वाला, तो यहां पर इसका यूज केस भी काफी अच्छा है। सो आपको सेटिंग में एक्शन की वाला बटन मिलता है, इसमें सिंगल क्लिक, डबल क्लिक और लॉन्ग प्रेस वाले ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सिंगल क्लिक को तो मैंने ऑफ ही रखा, क्योंकि कई कबार ऐसा होता है ना कि पावर बटन की जगह यहां पर अगर हम एक्शन बटन पे चला गया तो डायरेक्टली कैमरा खुल जाएगा, फ्लैश लाइट जल जाएगा। और बाय द वे इसका वॉल्यूम जो पैनल है वो लेफ्ट साइड में, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है शुरू में कि हमें राइट की आदत पड़ जाती है, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स राइट में देते हैं। सो डबल क्लिक से कोई आप यहां पर फंक्शन असाइन कर सकते
सकते हैं। इसमें आपको कोई एप्लीकेशन को ओपन करना है वो वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने स्क्रीनशॉट का रखा है, डबल क्लिक करूंगा स्क्रीनशॉट हो जाता है, और लॉन्ग प्रेस में भी सेम ऑप्शन मिल जाते हैं। मैंने फ्लैशलाइट का रखा है, सो लॉन्ग प्रेस करूंगा तो भाई साहब फ्लैशलाइट ऑन द गो। बाकी आपको एनिमेशंस भी प्रॉपर मिल जाते हैं, आप ऐप ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, बहुत ही अच्छे से हो जाता है। बट कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत जिटरनेस देखा, लेकिन होपफुली ये चीजें अपडेट के साथ फिक्स होती जाएंगी। अभी यूआई इनका ऐसा है ना कि थोड़ी चीजें इंप्रूव हो रही हैं, तो हम कुछ चीजें इग्नोर कर सकते हैं, बट ऐसा एज सच मेजर बग मैंने कोई फेस नहीं किया। छोटे मोटे बग्स मैंने फेस किए वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे सबसे पहला यहां पर है, ये जो इनके ऐप ड्रॉअर में ऊपर सर्च ऐप है, इसका थोड़ा रीडिजाइन हो सकता है, थोड़ा सा ओल्ड फैशन टाइप का लगता है। इसके अलावा ऑटो ब्राइटनेस का जो बग है वो पहले से ही चला हुआ आ रहा है, वो यहाँ पर थोड़ा इंप्रूव हुआ है लेकिन प्रॉपरली नहीं हुआ। जैसे दोनों फोन को रखा है मैंने, लाइट बंद करी तो यहाँ पर ब्राइटनेस ड्रॉप कर दी। अब थोड़ी सी लाइट अगर मैं लाता हूं दोबारा से तो ये लावा की ब्राइटनेस स्टिल कम रहती है, और लॉक स्क्रीन में जब आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो ये ओवरलैप होता है फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, दिखने में अच्छा नहीं लगता है। इसके अलावा बैटरी स्टेट हमेशा ही रॉन्ग शो करता है, मतलब हमारा काफी ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम हो गया था, 4-5 घंटे ही दिखा रहा। तो ये छोटे मोटे बग्स हैं, होपफुली टाइम के साथ फिक्स हो जाएंगे, ऐसा कुछ मेजर बग नहीं है। अब एक और चीज तगड़ी मिलती है इसमें, आने वाला प्रोसेसर डेमेसी 7300X है, साथ साथ LPDDR5 रैम है, UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है, 4nm पे बेस्ड ये चिप है, 6.6 लाख प्लस के एंटीटू स्कोर्स हमें देखने को मिले, तगड़े गीकबेंच स्कोर्स भी देखने को मिले, कोई भी थ्रॉटलिंग का इशू नहीं था, और रीड राइट भी यहाँ पर आपको स्कोर्स 72,000 के ऊपर के देखने को मिल जाते हैं। अब रीड राइट से कहां इंपैक्ट पड़ेगा, आप ऐप ओपन करते हैं क्लोज करते हैं भाई साहब बहुत मक्खन जैसे करवा देते हैं, जैसे मैंने बताया। एंड यहाँ पर हमने रैम मैनेजमेंट भी टेस्ट करके देखा, 10 में से 6-7 ऐप को इसने बैकग्राउंड में रखा था, बाकी क्लोज कर दिया था। तो बहुत ज्यादा 6-7 ऐप तो हम वैसे यूजुअली खोलते नहीं है, 2-3 ऐप 5 ऐप तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अलावा जितना भी आप एक नॉर्मल यूजर यूज करता है ना फोन को, जैसे कि आप एक ऐप खोल लिया, 2 ऐप खोल लिया, मल्टीटास्किंग कर लिया, गाना चला लिया पीछे, ऊपर से गूगल पे चला लिया, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं देने वाला है, प्रोसेसर सक्षम है इतना। अगर गेमिंग भी करना चाहे तो गेमिंग के लिए भी अच्छा है। आपको सबसे पहले तो यहाँ पर BGMI में स्मूथ एक्सट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है, HDR में 40 FPS तक आप खेल सकते हैं। तो जितना हमने गेमिंग करके देखी ना, यहाँ मैं 50 to 55 FPS के बीच में एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिली। एंड मैं बोलूंगा 20,000 के हिसाब से ये परफॉर्मेंस में भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, तो मॉडरेट लेवल की आप गेमिंग भी इसमें कर सकते हो। और साथ ही साथ जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस भी ऑन पॉइंट एक्यूरेट देखने को मिल जाती है। एंड जो इसका गेम बूस्टर है वो बेसिक सा ही मिलता है, इसमें कोई भी वॉइस चेंज करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। एंड अगर आप पूछो कि हीटिंग होती है कि नहीं होती है, तो हमने बहुत देर तक गेम करके देखा तो उसमें 39°C के ऊपर जा ही नहीं रहा था, फ्रंट से और बैक दोनों से, तो हीटिंग का भी ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, तो परफॉर्मेंस में भी डिसअपॉइंट नहीं कर रहा है। और सबसे मेन पॉइंट आ जाता है ना भाई साहब, बैटरी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस लावा अग्निकुण्ड 2 के साथ ना बैटरी का ज्यादा अच्छा नहीं रहा था। इसमें भी 5000mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन जब हमने बैटरी टेस्ट किया, 8-8.5 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम इसने हमें आराम से निकाल के दिया, जिसमें मैंने ज्यादातर टाइम कॉन्टेंट वगैरह देखा और गेमिंग भी थोड़ी बहुत करी थी, तो उसमें स्टिल 8.5 घंटे का ना स्क्रीन ऑन टाइम बहुत ज्यादा है, कंसिडरिंग इसमें सेकेंडरी डिस्प्ले भी है और सॉफ्टवेयर उतना ज्यादा पॉलिश नहीं है। स्टिल कोई मेजर हीटिंग का इशू नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है बैटरी ड्रेन नहीं हो रही है। साथ ही साथ हमने 5G में आइडल ड्रेन का टेस्ट करके भी देखा, तो 34 से 32 ही यहाँ पर चेंज हुआ था ओवरनाइट। और 66 वॉट की चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जो 50 से 60 मिनट के बीच में इसे फुल चार्ज कर देता है। लेकिन एक जगह राहत नहीं मिलेगी, वो है कैमरा वाला डिपार्टमेंट। देने के लिए यहाँ पर सेंसर्स आपको तगड़े दे रखे, जैसे आपको 50 मेगापिक्सल का OIS सोनी का सेंसर मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर भी दिया है। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है सैमसंग का। सो फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ के फोटोज ना आपको व्हाइटिश टाइप देखने को मिल जाएंगे, कलर फेडेड टाइप का लगेगा, एंड मोस्टली जैसा ऐसा लगता है ना कि आपने बिल्कुल पाउडर में नहा लिया हो। मेरे को पर्सनली फ्रंट कैमरा की फोटोज यहाँ पर अच्छी नहीं लगी, डिटेलिंग की भी कमी यहाँ पर महसूस होती है। बाकी HDR को ये बैलेंस कर लेता है नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में, एंड पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन भी हो जाता है, बट स्टिल कहीं ना कहीं पे यहाँ पर थोड़ा और रिफाइनमेंट की जरूरत है, किसी किसी सिनेरियो में सही से नहीं करता है। एंड अगर आप ग्रुप सेल्फी ले रहे हो पीछे वाले को ये फुल ब्लर कर देगा। बाकी बैक के बारे में बात करें तो यहाँ पर थोड़ी नेचुरल फोटोज आती है, बट अगेन किसी किसी सिनेरियो में व्हाइटिश हो जाती है। इंडोर में भी यहाँ पर कुछ हमने शॉट्स लेके देखे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेम सिनेरियो आपको देखने को मिल जाता है। एंड मेन से आप 3x तक जूम कर सकते हो। जब हमने इंडोर में फोटो ली तो यहाँ पर डिटेलिंग की काफी कमी लग रही थी टेलीफोटो सेंसर होने के बावजूद, और आउटडोर में जब हम गए वहां पर ठीक आ रही थी डिटेलिंग, बट बार बार यहाँ पर जो है ना आप देखोगे कि कलर शिफ्ट कर जाता है। मेन से 3x में आपको ज्यादा ही सैचुरेटेड कलर देखने को मिल जाएंगे। इवन पोर्ट्रेट मोड में भी 3x का ऑप्शन मिलता है, वहां पर भी सेम सिनेरियो है कि थोड़ा सा कलर सैचुरेटेड साइड ही जाता है, कहीं कहीं पे अच्छे से परफॉर्म कर लेता है। तो ऐसा 5 में से 4 फोटो में 3x में आपको सैचुरेटेड साइड ही देखने को मिलेगा, बाकी डेप्थ इफेक्ट आपको अच्छा मिल जाता है। एंड
और इंप्रूवमेंट की थोड़ी डेफिनेटली यहाँ पर जरूरत है। एज डिटेक्शन भी यहाँ पर बैक कैमरा से ठीक ठाक हो जाता है। बाकी मेन से आप 30x तक जूम कर सकते हैं जिसमें डिसेंट डिटेलिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। एंड नाइट मोड में बात करें तो यहाँ पर डिटेलिंग एंड लाइट की थोड़ी कमी डेफिनेटली महसूस होती है। ये कुछ सैंपल्स हैं नाइट मोड के। बाकी अल्ट्रा वाइड से ओके फोटो मिल जाती है 8 मेगापिक्सल के हिसाब से। ओवरऑल फोटो वाले डिपार्टमेंट डेफिनेटली यहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और मेन से आप 4K 30fps में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। EIS ऑन किया था, स्टिल यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेबलाइजेशन की काफी कमी महसूस हुई और हल्का सा व्हाइटिश भी ज्यादा ये टोन रखता है। और फ्रंट कैमरा से भी आप फुल HD 30fps पे कर सकते हैं, यहाँ पर भी स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती है और व्हाइटिश अगेन फेस को ये कर देता है। एंड एक और चीज मैंने देखी थी, लो लाइट में ना फोकसिंग हंट का कहीं ना कहीं इशू है, ये अच्छे से फोकस करता हुआ आपको नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कैमरा वाले डिपार्टमेंट में इतना ही बोलना चाहूंगा, देखो भाई साहब फोन अच्छा है, हम चाहते हैं कि आपका कैमरा अच्छा हो, कि लोगों को हम ये भी सजेस्ट कर सके कैमरा के पर्सपेक्टिव से। देखो अब जिन लोग के लिए कैमरा मैटर करता है ना, उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी ऐसे कैमरास के साथ। तभी थोड़ा कैमरास वाले जो मेन प्रायोरिटी रहता है उनको हम लावा के फोन रिकमेंड कम करते हैं, बट हम दिल से चाहते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो। सो गाइस ये थी पूरी कहानी लावा अग्नि 3 के बारे में। डेफिनेटली लावा अग्नि 2 से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, स्पेशली ये जो सेकेंडरी डिस्प्ले है, एक्शन बटन है, बैटरी में इंप्रूवमेंट है, सॉफ्टवेयर और थोड़ा पहले से इंप्रूव हुआ है, लेकिन कुछ कुछ चीजों में यहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है सॉफ्टवेयर में भी। उसके बाद मेन दिक्कत है जो कैमरा में ना यहाँ पर थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट बिहेव करता है, उसमें होपफुली अपडेट के साथ ये लोग चीजें फिक्स करेंगे, बट उसके अलावा फोन सुपर से ऊपर आपको मिल जाता है। सो 20,000 के अंडर में अगर आपको एक इंडियन ब्रांड चाहिए, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, सेकेंडरी डिस्प्ले का मजा लेना चाहते हैं, प्रीमियम वाला जो मजा है बजट में लेना चाहते हैं, डेफिनेटली लावा अग्नि 3 को आप ले सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि कैमरा आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं होनी है। अगर कैमरा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है तो ये ना लेके आप दूसरा फोन ले सकते हैं। बाकी कुछ डाउट इस फोन के बारे में तो आप बता सकते हैं, हम और ज्यादा टेस्ट करेंगे इसको, फिर बाकी आपको चीजें लेटर ऑन बताएंगे। तो मिलते हैं हम ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग धसफड़ वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।